तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं हरी ट्रैवल ब्लॉग्स। मैं हूँ यहाँ पे बेंगलुरु एयरपोर्ट में और अभी एक फ़्लाइट से अभी उतरा हूँ और अभी यहाँ से मेरी जो है कनेक्टिंग फ्लाइट है। ले ओवर जो टाइमिंग है वो है लगभग 4 घंटे का। मैं 1 बजे यहाँ पे हुआ हूँ और 5-6 बजे जो है हमारे बोर्डिंग टाइमिंग है। तो ले ओवर के टाइम में लाइक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम क्या करते हैं। फ्लाइट से उतरेंगे तो ये देख सकते हैं ये डोमेस्टिक अराइवल पॉइंट है, तो इस रास्ते से आप आएंगे। चाहे ये मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, सारे एयरपोर्ट में यही सेम रहेगा। और मैं डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए बता रहा हूँ, इंटरनेशनल डिपार्चर अभी तक मैंने किया नहीं है तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। इनके सभी इन फ्यूचर में इंटरनेशनल डिपार्चर करूँगा तो फिर मैं उसके बारे में भी जानकारी दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप अराइवल से आप आगे आएंगे तो ये है एग्जिट पॉइंट आगे तरफ, 11 और 12 नंबर गेट, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या है, मैंने ट्रांसफ़र गेट है यहाँ पे। यदि आप की ले ओवर टाइमिंग बहुत कम है तो लाइक 120 मिनट्स के आसपास है, 2 घंटे के आसपास है, तो आप डायरेक्टली इस ट्रांसफ़र गेट से जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप उसे देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। उसमें मैंने बताया कि ट्रांसफ़र गेट 2 होते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट में, मैंने दिखाया था। एक 90 मिनट्स में यदि आपकी डिपार्चर है फ्लाइट की, फ़्लाइट लैंड करने के बाद, तो आप फर्स्ट ट्रांसफ़र गेट 1 से जा सकते हैं, ट्रांसफ़र गेट 2 से जा सकते हैं जब आपके 120 मिनट्स के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। यदि उससे ज़्यादा ले ओवर टाइमिंग है फिर भी यहाँ से लोग जाते हैं, और ताकि यहाँ से जाने के बाद आपको जो है डायरेक्टली आपको सिक्योरिटी चेक एरिया मिल जाएगा, कोई भी एंट्री फिर से नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ले ओवर टाइमिंग जैसे 5 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, तो उस केस में क्या करना है। तो मैंने वहाँ पर ट्रांसफ़र गेट में जो भी एक CICF हैं उनसे मैंने कन्फर्म किया है, अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला यस आप जो है बाहर निकल सकते हैं और आराम से गेट नंबर 1 से लेकर 8 तक कहीं भी किसी को भी दिखाकर आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने बोला कि सर लाइक सुडी आस्क फ्रॉम द एयरलाइन रेस्पेक्टिव एयरलाइन जो भी हमारा इंडिगो है, तो उन्होंने बोला नहीं किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे जो जब कनेक्टिंग फ्लाइट आपकी होगी तो आपके पास 2 बोर्डिंग पासेज होंगे या फिर 2 टिक होंगे, तो वही आप सेकेंड वाले बोर्डिंग पास को दिखाकर या टिकट दिखाकर आप एंट्री आराम से ले सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा जो आप फर्स्ट फ्लाइट के एंट्री के लिए किए थे। फ्लाइट के एंट्री के लिए हमने जो है अपना बोर्डिंग पास या टिकट और आधार कार्ड दिखाकर एंट्री किया था, उसी तरह से आप यहाँ से यदि आप एग्जिट होते हैं ले ओवर टाइमिंग के लिए, तो आप यहाँ से एग्जिट होकर फिर जो भी आपको करना है आप काम करके फिर से आप एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा एग्जिट होते हैं, क्योंकि मेरी ले ओवर टाइमिंग लगभग अभी 3 से 4 घंटे है, थोड़ा मुझे बाहर में काम भी है। एग्जिट होते हैं और फिर से वहाँ से एंट्री करेंगे। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा होते थे यहाँ पे, आप लाइक बहुत सारे यहाँ पे बैठने उठने के लिए रहते हैं, आप इधर यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, लॉन्च वॉन्च जो भी एयरपोर्ट में होती है वो 3 आवर्स बिफोर डिपार्चर के पहले जो है आपको एंट्री देती है। मैंने बेंगलुरु एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट में बहुत सारी लॉन्च के वीडियोज़ बना दिए हैं। एयरपोर्ट लॉन्च करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल में देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉन्च का एक्सेस ले सकते हैं। तो ले ओवर टाइमिंग में मैं मोस्टली क्या करता हूँ, लॉन्च में जाता हूँ, आराम से इंजॉय करता हूँ, 2-3 घंटे 4 घंटे रहता हूँ और जो भी होता है 2 रुपये में मन भर के खाता हूँ। तो किस तरह से क्या करना है, किस तरह से बुकिंग होती है, लाइक आप किस तरह से लॉन्च में एंट्री ले सकते हैं, उसकी भी वीडियोज़ हमने बनाई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि चलिए चलते हैं और एंट्री लेते हैं, क्योंकि हमारी ले ओवर टाइमिंग 3 घंटे 4 घंटे है, तो मुझे बाहर में कुछ काम भी है बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाद में, तो थोड़ा चलते हैं, एग्जिट करते हैं और फिर अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखाकर फिर से एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ चलेंगे। ये है एग्जिट एरिया, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। आपकी ले ओवर होती है तो आप ट्राई करेंगे, जब भी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो आप एक ही बार में बोर्डिंग पासेस आप अपना ऑनलाइन निकाल लें। यदि लाइक आप जब जर्नी कर रहे हैं उससे पहले ही आपकी बोर्डिंग पासेस आपको निकल जाएगी एक ही, क्योंकि सेम PNR होता है, उस केस में आप कभी भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन ही निकालेंगे तो सॉफ्ट कॉपी दिखाकर आप एंट्री ले सकते हैं, हार्ड कॉपी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये है डिपार्चर पॉइंट, गेट नंबर 1 2 3 4, आगे जाएंगे तो 5 6 7 8
ठीक है। तो आप किसी भी गेट से जो है, आप जब आप ले ओवर के टाइमिंग में यहाँ पे आए, बाहर घूम लिए, आपका सब कुछ काम खत्म हो गया, उसके बाद फिर से आप जो दूसरा टिकट है आपके पास या बोर्डिंग पास है, उसे आप आराम से दिखा कर यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। फाइनली मैं बाहर निकला, जो भी मुझे स्नैक्स वनैक्स करना था मैंने कर लिया है, बस आपको ये दिखाना था कि आप ले ओवर में एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। हमारी भी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो अब चलिए चलते हैं एंट्री लेते हैं, क्योंकि अब बोर्डिंग का टाइम हो जाएगा मेरा और मुझे लॉन्च भी जाना है, तो और आपको सारी चीज़ें दिखानी है कि मैं ले ओवर के टाइमिंग में और क्या क्या चीज़ें करता हूँ। फाइनली हम एंट्री ले चुके हैं, तो आपको सेम प्रोसीजर बस वही करना है, आपके डोमेस्टिक डिपार्चर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ले ओवर था और मेरा जो PNR था सेम था, कनेक्टिंग फ्लाइट है, दोनों इंडिगो थी, तो मेरा जो लगेज है और जो भी चेक इन बैग है वो डायरेक्टली मुझे मैंगलोर में मिलेगा, क्योंकि रांची से बैंगलोर और बैंगलोर से मैंगलोर के लिए किया होता, तो उसी तरह से आपकी जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो डायरेक्टली आपको फाइनल डेस्टिनेशन में आपको मिलेगा लगेज, तो यहाँ से लगेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर निकलिए, जो करना है आपको कीजिए, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का ले ओवर है, आराम से एंट्री कीजिए, फिर से आप अपने आधार कार्ड जो भी आपकी वैलिडिटी प्रूफ है उसको दिखाकर एंट्री लीजिए और अपना टिकट दिखा दीजिए, जो भी सेकंड वाला टिकट है वो स्कैन करेंगे, फिर आपको फाइनली इंटर मिल जाएगी। इंटर मिलने के बाद यहाँ से जो है आपको चेक इन काउंटर में जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से काम में है नहीं, आपके पास ऑलरेडी बोर्डिंग पासेज हैं, नहीं तो आप क्यूएस मशीन से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी चलता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ जा सकते हैं, तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है, बस यही है कि आपको थोड़ा लाइक 1-2 घंटे पहले आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा रश हो सकता है, तो 6 घंटे का ले ओवर है, 8 घंटे का ले ओवर, आराम से निकलिए जाइए, जो भी आपको करना है एंजॉय कर सकते हैं बाहर, उसके बाद फिर आप टाइम से पहले आ जाएं। चेक इन हो चुकी है, तो ले ओवर के टाइम में और क्या क्या करता हूँ मैं, अभी तो फ़िलहाल के लिए बस ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, थोड़ा वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ और आप लोगों के लिए जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है मैं देखता हूँ, उसके बाद अभी जो है मुझे चेक इन यहाँ से करना नहीं है, तो डायरेक्टली अब क्या करूँगा, सिक्योरिटी चेक की तरफ जाऊँगा, तो चलिए चलते हैं सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ। जो एरिया है आपकी चली जाएगी इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक, डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन के लिए, तो यदि आपकी जो ले ओवर टाइमिंग है काफ़ी ज़्यादा है, इंटरनेशनल फ्लाइट है फिर से, तो मुझे लगता है कि आप इंट्री उस कंडीशन में भी ले सकते हैं, बस वही है कि एग्जिट करने से पहले आप एक बार CSF से पूछ। आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है, डोमेस्टिक आपने लिया वहाँ से कनेक्टिंग आपकी फ्लाइट है, और दूसरी जो है इंटरनेशनल फ्लाइट है, आप ले ओवर टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, किसी भी CSF यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनसे पूछ लें, आप आराम से एग्जिट हो जाए, और एग्जिट होने के बाद फिर से चेक इन करने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ आना है, जहाँ पे आपको इमिग्रेशन पॉइंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट, डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक पॉइंट सारा एक ही साथ आपको मिल जाएगा। ले ओवर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कर लिया हूँ, सिक्योरिटी चेक करने के बाद यहाँ पे आप तो जब आएंगे तो आगे लॉन्च मिल जाएगा।